हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे आई कम अप विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेक डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए फार्स फार्स मींस ए कॉमिकल प्ले और ए वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन मॉकरी जैसे हिंदी में हम बोलें तो तमाशा या स्वांग बोल सकते हैं एक ऐसा प्ले है ये जिसमें एक प्रकार से तमाशा दिखाया जाता है एक प्रकार से तमाशा है तीन लोगों का देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स इन दिस प्ले चुबुकोव एंड हिज डॉटर नेम्ड नताला एंड वन इज़ देयर नेबर नेम्ड लोमोव डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए प्ले अबाउट द रशियन वेडिंग लेट स्टार्ट Uh, reading line by line this chapter come to the next page on page number 22 here on the top there is given the description about the main characters there are three characters as i told you there are three characters stephen which Chubukov He is a landowner he is an, an old man and there is a girl named Natalia Stepanovna Natalia Stepanovna she is daughter of Chubukov she is 25 years old and the third character is Ivan वेसल लोमो, ही इज नेबर ऑफ चुग एंड ही इज ए लैंड ओनर एंड बट ही इज़ वेरी इसेंट्रिक एंड सस्पीशियस ही इज़ सफरिंग फ्रॉम पालपीटिशन ही हैज़ ए प्रॉब्लम ऑफ हार्ट बीटिंग मीन्स इसकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं अचानक और ये कभी भी फेंट हो जाता है और कभी कभार इसका पैर भी सुन हो जाता है तो इसको ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ ही इज थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड मैन नताल्या इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड और चुबूकॉफ की एज नहीं दे रखी ये लगभग अराउंड फिफ्टी ईयर्स ओल्ड अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति है ओल्ड मैन है लगभग सिक्सटी का भी हो सकता है देर इज़ नो डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज एज लेट स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स द दिस इज वन एक्ट प्ले कंप्लीट प्ले को एक ही एक्ट में रोल uh, प्ले किया गया है इसका मतलब इसको लिखा गया है एक ही एक्ट में द फर्स्ट सीन इज ऑफ ड्रॉइंग रूम ऑफ चुबूकॉवज स्टार्ट रीडिंग लाइन बाई लाइन ए ड्रॉइंग रूम इन चुबूकॉवस हाउस पहला जो दृश्य होता है वो चुबुकोव के घर का जो ड्रॉइंग रूम है जो बैठक है उसका दृश्य है इसमें एंटर्स लोमा, लोमा उसमें प्रवेश करता है यहाँ पर वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स इसने एक जैकेट और सफ़ेद रंग के दस्ताने पहने हैं चुबुको राइजेस टू मीट हिम चुबुको उससे मिलने के लिए खड़ा होता है आगे बढ़ता है अब देखिए चुबुको क्या बोलता है माई डियर फेलो होम टू आई सी कह रहा है कि मेरे प्रिय मित्र आज मैं ये किसे देख रहा हूँ इवाना वेसलविच सरप्राइज होकर के बोल रहा है इवान वेसलविच आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड मैं बहुत ही खुश हूँ आज स्क्विज हिज हैंड स्क्ज का मतलब होता है मरोड़ना या दबाना वो उसके हाथ दबाता है नव दिस इज ए सरप्राइज माई डार्लिंग अब यह एक सरप्राइज है आश्चर्य है मेरे प्रिय हाउ आर यू तुम कैसे हो लोमो जवाब देता है थैंक यू धन्यवाद एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन और तुम्हारे यहाँ और आ, आ, कैसा चल रहा है आपका कैसे कैसे सब चल रहा है कैसा हाल है चुबू को बोलता है वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन चुबू को यहाँ पे जवाब देता है बस ठीक ठाक चल रहा है मेरे एंजल मेरे फरिश्ते तुम्हारी दुआओं के लिए धन्यवाद और क्या कहूँ सिट डाउन प्लीज़ कृपया बैठ जाओ प्लीज़ डू कृपया बैठ जाओ ना अब यू you नो know, जैसा कि तुम जानते हो यू शुड नाट फॉर गेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग कह रहा है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए मेरे लाडले मेरे प्रिय माई डियर फेलो मेरे प्रिय साथी वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप गेटअप का मतलब होता है ड्रेस जो आपका आपने पहन रखा है जैसे आप गेटअप में हैं जैसे आपके अपेयरेंस है उसको बोलते हैं गेटअप वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप तुम अपने इस पोशाक में इस पहनावे में इतने औपचारिक क्यों बने हुए हो तुम बने ठने क्यों हो इवनिंग ड्रेस ग्लव्स एंड सो ऑन कह रहा है कि तुमने इवनिंग ड्रेस पहनी है ग्लव्स पहने हैं एंड सो ऑन और ये वगैरह वगैरह कैन यू बी कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरी जान ट्रेजर का मतलब वैसे खजाना होता है बट यहाँ पर एक प्रकार से अपने प्रिय को बोलने के लिए वर्ड यूज किया गया है लोमा बोलता है नो आई हैव कम ओनली टू सी यू नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा मैं तो केवल तुमसे मिलने आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच सम्मान स्टेपन स्टेपनोविच अब चुबुक को बोलता है आगे देन वाय आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस तो तुम Uh, मेरे प्रिय तुम इस शाहेंकाल वाली इवनिंग ड्रेस में क्यों हो तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी है एज इफ़ यू आर पेइंग इन न्यू ईयर्स ईव विजिट ऐसा लगता है मानो कि तुम नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किसी से मिलने जा रहे हो किसी पार्टी में जा रहे हो ऐसा लग रहा है लोमो बोलता है वेल यू सी हाँ देखिए इट इज़ लाइक दिस बात ये है टेक्सिस आर्म्स उसकी आर्म्स यानी बाजू में पकड़ लेता है आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीपन स्टेपनोविस्ट टू ट्रेबल यू विद ए रिक्वेस्ट कह रहा है कि सम्मानीय योग्य सम्मान के योग्य स्टेपन स्टेपनोविच मैं आपके पास ही आया हूँ आपको एक प्रार्थना का कष्ट देने के लिए थोड़ा सा आपको आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ नोट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिवलेज प्रिवलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक कह रहा है कि आपके पास सहायता के लिए जो कुछ रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करने का मुझे एक बार या दो बार ही मौका नहीं मिला है बल्कि कई बार मेरे को ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ है और आपने सदा ही मेरी मदद भी की है सो टू स्पीक तो कहिए आई मस्ट आस्क योर पार्डन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा आई एम गेटिंग एक्साइटेड मैं थोड़ा सा मैं ए, क्या हो रहा हूँ उत्तेजित हो रहा हूँ आई सेल ड्रिंक सम वाटर मुझे मैं कुछ पानी पीना चाहूँगा ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच सम्मानी स्टेपन स्टेपनोविच ड्रिंक्स पानी पीता है चुबुको को बोलता है अब एसाइड एसाइड का मतलब है एक तरफ होकर के खुद से ही बोलना ही इज क्योंकि ये रोल ये एक प्रकार का प्ले है तो प्ले में रोल किया जाता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है एसाइड यानी कि एक तरफ होकर के कैरेक्टर बोलेगा क्या बोलेगा ही इज कम टू बोरो मनी यह है ही हैज कम टू हैज कम टू बोरो मनी यह पैसा मांगने के लिए पैसा उधार लेने के लिए आया है अनुमान लगा रहा है मैनी कुछ नहीं देने वाला मैं इसको कुछ नहीं दूंगा अलाउड और जोर से बोलता है व्हाट इज इट माय ब्यूटी क्या बात है मेरे गुलाब या मेरे सौंदर्य अब लोमो बोलता है यू सी क्या बोलता है स्टेप नो विच देखिए सम्मानीय स्टेपनोविच आई बैग पार्डन आई बैग पार्डन मतलब क्षमा करना मुझे क्षमा कीजिए स्टेपन ऑन ऑनरिच स्टेपन ऑनरिच मुझे मैं क्षमा चाहूँगा आई I मीन mean, मेरा मतलब है आई एम ऑफली एक्साइटेड मैं भयंकर रूप से भयानक रूप से उत्तेजित हूँ एज यू विल प्लीज नोटिस जैसा कि तुम कृपया नोटिस करेंगे इन शॉर्ट मतलब ब्रीफ में या शॉर्ट में यू अलोन कैन हेल्प मी केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो दो आई डोंट डिजर्व इट यद्यपि मैं इसके लिए डिजर्व नहीं करता मैं इसके योग्य नहीं हूँ कोर्स निसंदेह यानी कि सचमुच एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस और मुझे आपका 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 सहयोग प्राप्त करने का कोई राइट right भी नहीं है कोई अधिकार भी नहीं है चुबुकू बोलता है और डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग कहता है कि अरे बात को घुमाओ फिराओ मत प्रिय स्पिट इट आउट जो भी मुंह में है जो भी तुम्हारे अंदर बात है उसको बक दो थूक दो स्पीड का मतलब वैसे थूकना होता है मगर यहाँ पे बात थूकी नहीं जाती तो बात को उगल दो वेल कहो लोमो बोलता है वन मोमेंट एक पल रुकिए दिस वेरी टाइम दिस वेरी मिनट एक मिनट में बताता हूँ अभी बताता हूँ द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर न्यापनो ना इन मैरिज कह रहा है कि एक्चुअल में सच में बात यह है, है कि मैं तुम्हारी बेटी नताला स्टेपनोना का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए ठीक है बेटा कम टू द नेक्स्ट पेज एंड चुबू जॉयफुली खुशी से क्योंकि एक बात बता दूं आपको कि मिस्टर चुबू एम बहुत ही इज वेरी एंगजियस अबाउट द मैरिज ऑफ हिज़ यंग डॉक्टर नोकि उस वो बोलेगा भी कि इट इज़ बर्डन टू बी द फादर ऑफ यंग गर्ल ऑफ़ यंग डॉक्टर मतलब उसके लिए बहुत सा बना है उस, वो पच्चीस साल की हो उस चुकी है उसको शादी करनी है तो वो जैसे ही लोबाऊ ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ तो खुश खुशी से झूम उठता है चुबू को और जॉयफुली खुशी से क्या कहता है बाई जॉव बेटा यहाँ पे बाई जॉव जो, जो का मतलब होगा बाई जॉव का मतलब होता है बाई गॉड भगवान का सम इवान वेसल विद से इट अगेन आई डिंट हियर इट ऑल कह रहा है कि ईसान सॉरी इवान वेसल दोबारा से कहो मैंने इसे सुना नहीं बिल्कुल भी नहीं सुना मैंने लोमो कहता है आई हैव द ओनर टू आस्क कह रहा है कि मुझे कहने का मैं इस दोबारा इस बात को कहने में सम्मान महसूस करता हूँ चिबुक ऑफ इंटरप्टिंग का मतलब बीच में टोकते हुए रोकते हुए या काटते हुए माई डियर फेलो मेरे प्रिय साथी आई एम सो ग्लैड मैं कितना खुश हूँ इतना खुश हूँ एंड सो ऑन वगैरह वगैरह यस इन डीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कह रहा है कि हाँ सचमुच में ही और मुझे कितनी खुशी है और क्या क्या नहीं है एंड ऑल दैट सॉर्ट और क्या क्या ऑफ थिंग एम्ब्रेस एम्ब्रेसिस का मतलब होता है गले लगाना एंड किसिज लोमो वो गले लगाता है लोमो को उसे किस करता है तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुबुको का एक हिपोक्रेटिक करेक्टर आपके सामने आता है ये आ, पाखंडी टाइप का ढोंगी टाइप का आपको नजर आएगा क्योंकि आ, कुछ देर पहले जब ये ये सोच रहा था कि शायद लोमो लोमो यहाँ पर पैसे मांगने आया है बोरो करने आया है तब इसने ये बोला था कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा बट यहाँ पे जैसे इसको ही पता चल जाता है कि ये तो मेरी बेटी का हाथ मांगने आया तो ये देखो जॉयफुली बीट बाय जोर्ड ये दोबारा बोलता है इट इज सी इट अगेन दोबारा कहो ये ऐसा बोलता है और यहाँ पे एम्ब्रेसिस उसको गले लगाता है किस करता है यानी कि खुश हो जाता है अब देखना क्या बोलेगा आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम मुझे काफ़ी लंबे समय से इसकी आशा थी इट्स बीन माय कंटिन्यूअल डिज़ायर ये मेरी लगातार सतत इच्छा रही है सैड सिटीयर और खुशी का आंसू बहाता है एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूँ माई एंजल मेरा फरिश्ता इसे फरिश्ता कह के पुकार रहा है आप देखो एज इफ यू वर माई योवन सन मानो कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे असली पुत्र हो मेरे पुत्र हो मेरे अपने पुत्र हो। देखो यहाँ पे इसने या, इसको अपना बेटा तक कहा है इसका मतलब सेल्फिश काइंड का इंसान है को मे गोड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन कह रहा है कि भगवान करे कि वो तुम्हें अपनी मदद दे भगवान और अपना आशीर्वाद दे हिज लव अपना प्यार दे एंड सो ऑन और वगैरह वगैरह एंड सो मच होप और मुझे ऐसी आशा है व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस एडियोटिक वे फॉर कह रहा है कि मैं ऐसे पागलों की तरह व्यवहार क्यों कर रहा हूं मूर्खतापूर्ण ढंग से किस लिए मैं व्यवहार करने लगा हूं आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय अब्सोल्यूटली ऑफ माई बैलेंस कह रहा है कि खुशी से मैं मैंने अपना जो जो संतुलन है उसको खो दिया है मैं बिल्कुल अपना संतुलन खो बैठा हूँ खुशी के मारे ओ विद ऑल माई सोल मैं पूरी आत्मा से आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट कह रहा है कि मैं अपने पूरी आत्मा से यानी पूरी मन से मैं जाऊंगा और नताला को बुला के लाऊंगा और वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट मतलब ये सब वगैरह वगैरह लोमो ग्रिटली मूवड मूड का मतलब हुआ अफेक्टेड या प्रभावित बहुत ही अधिक प्रभावित होते हुए अत्यंत प्रभावित हो, हो गया है लोमो और कहता है ऑनर्ड स्टीपन स्टेपनोविच सम्माननीय स्टीपन स्टेपनोविच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट क्या तुम समझते हो कि मुझे उसकी यानी कि नतालिया की सहमति पर भरोसा करना चाहिए क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ उसकी सहमति मुझे मिल जाएगी कॉन्सेंट का मतलब है सहमति चुभ को वाई कोर्स क्यों नहीं बिल्कुल निसंदेह सचमुच में माई डार्लिंग मेरे प्रिय एंड एज इफ सी विल नॉट कॉन्सेंट और क्या तुम मानते हो कि वो सहमत नहीं होगी सी इज़ इन लव वह प्यार में है एगेड भगवान कसम एगेड का मतलब होता है कसम से सी इज़ लाइक ए लव सिक कैट वो एक प्यार में पागल बिल्ली की तरह है एंड सो ओन वगैरह वगैरह सेल नॉट बी लॉन्ग मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा अभी आया एग्जेक्ट और ऐसा कह कर के वो निकल जाता है लोमाओ इट इज़ कॉल्ड लोमाओ अब अपने आप से ही बातें करेगा काफ़ी सर्दी है आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर कह रहा है जस्ट एज इफ आई हैड कोर्ट एंड एग्जामिनेशन बिफोर मी कह रहा है कि मैं बहुत ठंड हो रही है और मैं पूरा काँप रहा हूँ बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन हो कोई परीक्षा हो द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप और कह रहा है कि बड़ी बात जो है मान बात यह है कि मुझे अपना मन पक्का करना होगा मन बनाना होगा इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक यदि मैंने अपने आप को समय दिया सोचने के लिए टू हेजिटेट टू टॉक अलॉट टू टॉक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव दैन आई विल नेवर गेट मैरिड कहता है कि यदि मैंने ए, ए, सोचने समय सोचने समझने का समय दिया झिझकने का ज़्यादा बातें करने का किसी आदर्श व्यक्ति या सच्चे प्यार को ढूंढने का तो सच में मेरा कभी विवाह नहीं हो पाएगा यानी कि मैं कभी शादीशुदा नहीं बन पाऊँगा बर, इट इज़ कॉल्ड अब आगे बोल रहा है इट इज़ कॉल्ड सर्दी है न्स स्टेप नोना इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर आप देखो नताला की बढ़ाई करेगा नॉट बैड लुकिंग वेल एजुकेटेड बोलता है कि नताला स्टेप नोना एक अच्छी ग्रहणी है और दिखने में भी ज्यादा बुरी नहीं है वेल well एजुकेटेड और पढ़ी लिखी है ऐसा वो मानता है वैट वट मोर डू आई वॉन्ट और मुझे क्या चाहिए बट आई एम गेटिंग ए नॉइजी ए नॉइज इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट मगर कह रहा है कि उत्तेजना की वजह से ए, म, उत्तेजना घबराहट की वजह से मेरे कानों में शोर होने लगा है यानी कि मेरा कान गूंज रहे हैं ठीक है ड्रिंक्स पानी पीता है एंड इट्स इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी और कह रहा है कि शादी ना करना ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं बिना शादी रहूँ इन द इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी थर्टी फाइव ए क्रिटिकल एज कह रहा है कि मैं पहले ही पहली बात तो ये है कि मैं पहले ही पैंतीस साल का हो चुका हूँ जो कि एक नाचुर उम्र उम्र है नाजुक उम्र है सो टू स्पीक और कह सकते हैं इसकी एक नाजुक उमर इन द सेकेंड प्लेस और दूसरी बात है आई ओट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ कह रहा है कि मुझे एक शांत और सुव्यवस्थित जीवन बिताना चाहिए आई सफ़र फ्रॉम पालपिटेशन्स क्योंकि मुझे ए, मुझे क्या प्रॉब्लम है मेरा दिल धक धक करता रहता है इसकी धड़कन बढ़ जाती हैं आई एम एक्साइटेबल मैं उत्तेजित हो उठता हूँ ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट और हमेशा भयानक रूप से निराश परेशान हो जाता हूँ एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स इस समय समय भी इसी वक्त भी माई लिप्स आर टैम्बलिंग मेरे होट कप कपा रहे हैं एंड देर इज ए ट्विच ट्विच का मतलब होता है स्लो मोमेंट इन माई राइट आईब्रो और मेरी दाहिनी आईब्रो में एक हल्का सा मोमेंट है यानी कि मेरी आईब्रो फड़क रही आंखें फड़कना जो होता है ना बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लिप और इनमें सबसे बदतर जो चीज़ है जिस तरीके से मैं सोता हूँ वह है आई नो सुनर गेट इन टू बैड एंड बिगिन टू गो ऑफ वैन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हैड आई जंप लाइक ए ल्यूनेटिक लुनेटिक पागल को बोलते हैं वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लिप इज रीजन ओ पुल ये बोल रहा है कि जैसे ही मैं जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे नींद आने लगती है तो अचानक मेरे शरीर में बाई तरफ कोई चीज़ झटका सा लगाती है और मैं इसे अपने कंधे और सिर में भी महसूस कर सकता हूँ ऐसा ही मैं एक पागल की भाती छलांग लगा कर खड़ा हो जाता हूँ जंप के साथ थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ और फिर लेट जाता हूँ किंतु जो ही मुझे नींद आने लगती है एक और झटका लगता है अनादर पुल एंड दिस मे हैपन्स ट्वेंटी टाइम्स और ऐसा बीस बार हो सकता है रात भर में नाल स्टेप न कम सेन और अब न्याया अंदर आ जाती है नाल क्या बोलते अब आते ही ना बोलते वेल देयर इट इज़ यू अच्छा तो यहाँ पर तुम हो ऑनर्ड एंड पापा पापा सेड और ने कहा था गो देर इज ए मर्चेंट जाओ वहां पर एक व्यापारी आया है कम फॉर हिज गुड्स जो अपनी चीजों के लिए आया चीजों को बेचने के लिए आया है हाउ डू यू डू इवान वेसलविच कैसे हो इवान वेसलविच लो, लोमो जवाब देता है हाउ डू यू डू बेटा जब भी आपसे कोई हाउ डू यू डू बोलता है तो उसका रिप्लाई भी हाउ डू हाउ डू यू डू ही किया जाता है तो ऐसा ही लोमा करता है हाउ डू यू डू ऑनर्ड ऑनर स्टेपनोविच कह रहा है कि नताले स्टेपनो, स्टेपनो ना तुम कैसी हो जवाब देती यू मस्ट एक्सक्यूज पार्डन एंड एंड एप्रन एप्रन देखो एक प्रकार का लबादा होता है वन पीस जिसे बोल सकते हो जिसे रात को सोते समय लड़कियां पहनती हैं नाइटी टाइप की चीज जो गाउन टाइप का होता है उसे एप्रन बोलते हैं और नेगलेजी भी एक नाइट गाउन होता है तो कह रहा है कि तुम्हें मेरे इस लबादे के लिए और मेरे इस गाउन के लिए जो मैंने ये पहन रखा है इसके लिए क्षमा करना उसे वी आर सेलिंग एस एच ई डब्ल एल ई एन जी सेलिंग का मतलब है यहाँ पर जो छीलना किसी चीज़ को छीलना उसके छील के उतारना पीस फॉर ड्राइंग कह रहा है कि हम मटर छील रहे थे उनको सुखाने के लिए वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम तुम एक इतने लंबे समय से यहाँ पर कभी आए क्यों नहीं हो दी सीट डेम सेल्व और वो दोनों बैठ जाते हैं विल नॉट यू हैव सम लंच क्या तुम कुछ लंच नहीं लोगे कुछ दोपहर का खाना नहीं लोगे लोमो नो थैंक यू नहीं धन्यवाद आई हैव हैड सम ऑलरेडी मैं पहले ही कुछ खा चुका हूँ नमोक तो फिर स्मोक कर लो कुछ आ, मतलब स्मोकिंग कर लो हेयर आर द मैचिज यहाँ पर मैचिस हैं द वेदर इज स्पलेंडेड ना और अब मौसम काफ़ी सुहावना so, हो चुका है या काफ़ी अच्छा हो चुका है बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिट डू एनी थिंग ऑल डे और मगर कह रहा है कल इतना गीला दिन था यानी कि इतनी बारिश हुई थी कि जो लेबर है जो काम करने वाले व्यक्ति वर्कमैन यानी कि जो फील्ड्स में घास वगैरह काटने का काम करते हैं उन्होंने पूरे दिन भर कुछ काम नहीं किया क्यों क्योंकि बारिश हो रखी थी सब कुछ गीला था हाउ मच हैव ही हे hey, घास को बोलते हैं बेटा सूखी घास को कटी हुई घास को हैव यू स्टैक स्टैक्स मतलब ढेर लगाना कह रहा है कि तुमने कितनी घास कटवा ली है उसका ढेर लगा लिया जस्ट थिंक जरा सोचो आई फेल्ट क्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नोट एट ऑल पीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट रोट मतलब सड़ना हे मतलब घास कह रहा है कि जस्ट थिंक जरा सोचो मैं पहले कितनी मतलब लालच महसूस कर रही थी और लालच में मैंने पूरा का पूरा खेत कटवा दिया पहले तो मगर अब मैं इससे इसके लिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब यह डर है कि कहीं मेरी सारी घास सड़ ना जाए इस बार इसमें गल ना जाए आई ऑट टू हैव वेटिड बिट मुझे कुछ और इंतज़ार करना चाहिए था बट व्हाट्स दिस मगर ये क्या है क्योंकि वाई यू आर इन इन इवनिंग ड्रेस तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी है क्योंकि अब न का ध्यान लोमो की गेटअप पर जाता है वेल आई नेवर ठीक है मैं नहीं समझ पाऊँगी आर यू गोइंग टू ए बॉल और वॉट बॉल होता है डांस पार्टी और वॉट कह रहे तुम किसी डांस पार्टी को अटेंड करने जा रही हो नृत्य सभा को अटेंड करने जा रही हो या कहीं और दो आई मस्ट से यू लुक बेटर यद्यपि मुझे जरूर कहना चाहिए मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम अच्छे लग रहे हो टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट मुझे बताओ कि तुमने तुम ऐसे बने ठहने क्यों हो तुमने इच, इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहन रखी है फॉर्मल वियरिंग क्यों कर रखी है लोमो जवाब देता है एक्साइटेड उत्तेजित होकर यू सी देखो ऑनर्ड न्या स्टेपनोना द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट कह रहा है कि देखिए सच ये है न्याला मैंने अपना दिमाग मन बना लिया है कि जो मैं कहूँ वो मेरी जो बात है वो तुम्हें कहने का मैंने मन बना लिया है तुम्हें तुम तुम्हें सुनाने का मैंने मन बना लिया अपनी दिल की बात ऑफ़ कोर्स यू विल बी सरप्राइज निश्चित तौर पर सचमुच में तुम सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित जरूर होगी एंड पर हैप्स और शायद इवन एंग्री यहाँ तक कि तुम गुस्सा भी हो सकते हो बट परंतु साइड एक तरफ अपने आप से बोलता है इट इज़ आफुली कॉल्ड ये भयंकर रूप से ठंड है यानी कि अभी भी वो अपनी बात नहीं कह पाया ठीक है न्या व्हाट्स द मैटर पॉज कुछ देर रुकती है ये बोल करके कि क्या मामला है फिर पॉज हो जाती है वेल well, ठीक है बोलो ना लोमो आई सेल्फ ट्राई टू बी ब्रीफ मैं इसे ब्रीफ में सुलटाने की कोशिश करूंगा ब्रीफ में यानी कि संक्षिप्त में कहना चाहूँगा यू मस्ट नो तुम्हें जरूर जा, तुम जरूर जानती हो या तुम्हें जानना चाहिए ऑनर्ड ना स्टेपनोना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इनफैक्ट कह रहा है कि काफी लंबे समय से कब से मेरे बचपन से सच में इनफैक्ट आई हैड द प्रिवलिज ऑफ नोविंग योर फैमिली कह रहा है कि मुझे तुम्हारे परिवार से परिचित होने का एक विशेष अधिकार या सम्मान प्राप्त है मेरे बचपन से ही माई लेट आंट एंड हॉर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर कह रहा है कि मेरी जो स्वर्गीय मौसी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं जिनसे मैंने जैसा कि तुम जानती हो मुझे मेरी वसीयत मिली है मेरी ज़मीन मिली है ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट वो हमेशा तुम्हारे तुम्हारी स्वर्गीय माता और तुम्हारे पिता के लिए हमेशा उनके दिल में क्या था एक बहुत ही अधिक था, सम्मान था महान सम्मान था द लोमोवज़ लोमोज मतलब लोमोव फैमिली के मेंबर एंड द चुबकोवस मीन्स चुबुको फैमिली के मेंबर हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली हमेशा बड़े ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं उनके संबंध फ्रेंडली रहे हैं आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्सनेट रिकार्ड फॉर इच अदर कह रहा है कि मुझे ये कहना चाहिए कि उनमें एक दूसरे के प्रति क्या था बहुत ही सम्मान और बहुत ही अफेक्सनेट मीन्स लगाव अफेक्शन था एंड एज यू नो माई लैंड इज़ इन नीयर नेबर ऑफ योर्स और जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन के पड़ोस में है यू विल रिमेंबर दैट माई ऑगजन मीडोज़ टच योर ब्रिचवुड्स ब्रिचवुड्स ये प्रॉपर्टी है ये जमीन है किन की नण फैमिली की और ऑग्जन मीडोज से हक कौन बता रहा है लोमो तो कह रहा है कि तुम्हें पता है होना चाहिए कि मेरे ऑगजन मीडोज़ जो मेरे फील्ड्स हैं ऑगजन मीडोज नाम की वो तुम्हारी वुड्स को टच करते हैं उनको छूते हैं नाल एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू कह रहा है कि ए, मेरे बीच में काटने को माफ़ कीजिएगा यानी कि बीच में मैं आपको टोक रही हूँ इसके लिए मैं माफी चाहूँगी यूज से तुमने कहा माई ओगजन मीडोज मेरे ओगजन मीडोज बट आर द योर्स परंतु क्या वो तुम्हारे हैं लोमो बोलता है यस माइन ना मेरे हैं नाल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट तुम क्या बात कर रही हो ओगजन मीडोज आर आवर्स नॉट योर्स ऑक्सन विंडोज तो हमारे हैं तुम्हारे नहीं लोमो नो माइन ऑनर्ड न्याटेप ना। नहीं मेरे हैं सम्मानिए है, न्याया ना। नताल्या बोलती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर ठीक है मुझे तो ये कभी पता ही नहीं चला पहले हाउ डू यू मेक दैट आउट तुमने ऐसा कैसे कहा मतलब तुमने ए, तुमने ऐसे ये बात कैसे बोली ए, न, तुम ऐसा कैसे सोचते हो मतलब ये बात तो मुझे आज ही पता पता चली पहली बार मैंने कभी सुना ही नहीं लोमो हाउ कैसे आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्जन मीडोज विच आर वेज इन बिटवीन वेस्ड मतलब लाइड लोकेटेड इन बिटवीन योर आर वुड्स एंड द बंट मास मास होता है दलदली जमीन बर्ंट मतलब झुलसी हुई जली हुई कह रहा है कि मैं उन ऑक्जन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे ब्रिचवुड्स और जो चली हुई दलदली जमीन है उसके बीच में लोकेटेड है मैं उन ऑगन मेडोज़ की बात कर रहा हूँ नताल्या बोलती यस यस दे आर यूवर्स हाँ हाँ वही तो वो हमारे हैं लोमो बोलता है नो यू आर मिस्टेकन नहीं तुम गलत हो ऑनर नताल्या स्टेप नोना दे आर माइंड करेक्ट सम्मान्य नताल्या स्टेप नोना वो तो हमारे हैं नताल्या बोलती है, जस्ट थिंक इवान वेसलविच जरा सोचिए वन वैसल हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स कितने समय से कितने लंबे समय से वो तुम्हारे हैं लोमो कहता है हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय से एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर तब से जब से मुझे याद है नताला बोलती है रियली यू विल नॉट गेट मी टू बिलीव दैट कह रहा है कि तुम जबरदस्ती मुझे ऐसा मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो लोमो कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नताला स्टेपनोना मगर सम्मानिए ना स्टेप ना तुम लिखित कागजात जो हैं उनकी रजिस्ट्री जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देख सकती हो ऑक्सन मिडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नाउज दैट दे आर माइन कह रहा है कि ऑक्सन मिडोज वाली जमीन यह सत्य बात है कि किसी समय एक झगड़े का सब्जेक्ट हुआ करते थे यानी कि उस पर झगड़ा चल रहा था वो झगड़े की जमीन हुआ करती थी लेकिन अब सभी जानते हैं कि वो मेरी है हमारी है दे आर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट देर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट इस पर कोई झगड़ा करने की या बहस जिद करने की कोई बात नहीं है यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन प्रिपेचुटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर इन रिटर्न फॉर विस दे वर्ल्ड टू मेक ब्रिक्स फॉर हर बोल रहा है कि तुम जानती हो मेरी मोसी की जो नानी थी उन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को तुम्हारे फादर के दादा के जो पीजेंट्स किसान थे उनको ये चारागा ऑक्जन मेडोज हमेशा के लिए प्रपैचुटी यानी कि मुक्त प्रयोग के लिए दे दी थी इन रिटर्न फॉर विच और जिसके बदले में वो लोग क्या करते थे वो उस औरत के लिए यानी कि मेरी मौसी की नानी के लिए क्या बनाया करते थे ब्रिक्स बनाया करते थे ईंटे बनाया करते थे द तो पीजेंट्स पीजेंट्स बेटा गरीब मज़दूर किसान होते हैं वो गरीब मज़दूर किसान बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर फोर्टी ईयर्स कह रहा है कि तुम्हारे पिता के दादा के मज़दूरों ने चालीस वर्षों तक इन मीडोज़ का फ्री में इस्तेमाल किया यूज़ किया एंड हैड कोट इन टू दैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देर ऑन वैन इट हैपन दैट और इसे अपने ही समझने की उनको अब आदत हो गई थी जब ऐसा हुआ तो अब नताल्या बोलती है, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट कह रहा है कि ऐसी कोई बात बात नहीं है ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है बहुत बहुत ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फ़ादर ड दैट देर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न मार्स विस मीन्स डैट ऑक्सीजन मीडोज आर वर आवर्स कह रहे हैं कि मेरे दादा uh, सॉरी मेरे दादा और पड़दादा हमेशा ये बात कहा करते थे ठीक है ना इस बात का वो जिक्र किया करते थे कि लगभग उनकी जमीन जो है ऑक्सीजन मीडोज वाली वो बर्ंट मार्स तक बर्ंट मार्स यानी दलदली जो झुलसी हुई दलदली जो जमीन है वहां तक फैली हुई थी विच मीन्स जिसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन मिडोज वर अबर से ऑक्सीजन मिडोज हमारे थे ठीक है ना ये अपना अपना तर्क पेश कर रहा है उन पर अपना अधिकार जमाते हुए आई डोंट सी वॉट देर इज टू आर्ग्यू अबाउट इट इज सिंपली सेली कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि इस विषय में इस मैटर पर विवाद करने की क्या बात है ऐसा करना बिल्कुल सीली होगा मूर्खता होगा कम टू द नेक्स्ट पेज लोमो बोलता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें इसके जो कागजात हैं वो दिखा दूंगा नताला नताल्या बोलते नो यू आर सिंपली जोकिंग नहीं तुम केवल मजाक कर रहे हो और मेकिंग फन ऑफ मी और मेरा मजाक बना रहे हो व्हाट इज सरप्राइज कितनी हैरानी वाली बात है वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली थ्री हंड्रेड ईयर्स एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आस कह रहा है कि हमारे पास ये जमीन लगभग तीन सौ सालों से रही है और फिर अचानक हमें बताया जाता है कि ये हमारी है ही इवान आई कैन हार्डली बिलीव माई ओवन ईयर्स कह रहा है कि मुझे मैं मुश्किल से ही अपने कानों पर विश्वास हो रहा है मुझे बड़ी मुश्किल से ही मीन्स नहीं हो रहा है बिलीव दीज मिडोज आंट वर्थ मस्ट टू मी कह रहा है कि इन मिडोज का मेरे लिए कोई ज़्यादा ज़्यादा महत्व नहीं है दे ओनली कम टू फाइव डेसी डेसीटिन ये एक प्रकार से यूनिट है ज़मीन को मापने की एंड आर वर्थ पर हैप्स थ्री हंड्रेड रूबल्स कह रहा है कि लगभग फाइव डेसीटिन मीन्स लगभग थर्टीन एकड़ बनते हैं ज़मीन है जिसकी कीमत है शायद तीन सौ रूबल्स बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस और ये मेरे लिए कोई मैं तो नहीं रखता बल्कि इसके विपरीत कह रहा है कि परंतु मैं अनफेयरनेस जो होता है मीन्स जो अनुचित बात है जो गलत बात है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती से वट यू विल आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस कह रहा है कि जो तुम्हें कहना वो कहो बट मैं गलत बात अनुचित बात बर्दाश्त नहीं करूँगी लोमो कहता है Hear मी आउट आई एम्प्लोर यू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स कह रहा है कि मेरी बात सुनो आई एम्प्लोर यू मैं तुमसे विनय करता हूँ प्रार्थना करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ द पीजेंट ऑफ योर फादर्स अब ये वही बात बखने लगेगा कि तुम्हारे पिता के जो किसान थे तुम्हारे पिता के दादा के जो किसान थे एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ओनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू कह रहा है जैसा कि मैं पहले भी तुम्हें ये बात समझाने का मुझे गौरव गो, प्राप्त है यानी कि और सम्मान प्राप्त है यानी कि मैं तुम्हें पहले भी ये बात समझा चुका हूँ यूज टू बेग पिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कह रहा है कि वो किसान मेरी मौसी की नानी के लिए ईंट पकाया करते थे नो माई आंट्स ग्रैंड मदर विसिंग टू मेक देम प्लीजेंट कह रहा है कि तब मेरी जो मौसी की नानी थी वो उन लोगों को खुश करने के लिए बस इतना ही बोलता है और आगे रुक जाता है ये डो डो अब नताला बोल पड़ती आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स कह रहा है कि मैं मुझे मौसीियों दादियों नानियों दादा इन सब की कहानी का कोई सिर पैर समझ नहीं आता मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ती ये बातें ठीक है बाते। द मीडोज आर आवर्स डेट्स ऑल बोलती है कि मीडोज़ हमारे हैं बस मैं इतना जानती हूँ लोगों को कहते हैं माईन मेरे ना बोलते हैं आवर्स हमारे हैं यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर टू डेज और एंड और यू कैन गो एंड पुट ऑन फिफ्टीन ड्रेसिज ड्रेस जैकेट्स बट आई टेल यू दे आर आवर्स अवर्स अवर्स वो साफ साफ बोल देती है कि तुम जाओ जा सकते हो और इसको प्रूव करने के लिए दो तीन दिन ले सकते हो तो पूरे दिन ले सकते हो दो दिन के बाद भी अगर तुम तुम जा सकते हो और पंद्रह जैकेट पहन सकते हो ड्रेस ऐसी जो पहन रखी है बट फिर भी मैं ये कहती रहूँगी कहूँगी कि दे आर अवर्स यह ज़मीन हमारी है हमारी है हमारी है आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव अप गिव एनीथिंग ऑफ माइंड सो देयर वो साफ़ साफ़ बोल देते कि मुझे कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं चाहिए और और साथ ही मैं कोई अपनी चीज़ तुम्हा तुम्हें किसी को भी मतलब नहीं दे सक देने वाली हूँ सो देर ठीक है समझे अब लोमो बोलता है नतालिया स्टेप ना आई डोंट वांट द मिडोज मुझे मिडोज नहीं चाहिए बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स पर मैं न, मतलब सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ इफ़ यू लाइक अगर तुम चाहो आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ them. कह रहा है कि मैं तुम्हें ये सब गिफ्ट में प्रेजेंट में दे सकता हूँ उपहार में दे सकता हूँ अब न बोलेगी आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ बिकॉज दे आर अरे कह रहा है कि तुम कौन हो देने वाले मैं ही तुम्हें दे सकती हूँ ये उपहार में क्योंकि वो मेरे खेत हैं, तो मैं उपहार में तुम्हें दे सकती हूँ योर बिहेवियर इवान बसिल चेंज कह रहा है कि इवान वैसिलवेस तुम्हारा जो व्यवहार है वो विचित्र है अजीब है टू से लीस्ट अगर मैं बात को बिना बात को कम से कम शब्दों में कहूं तो कि तुम्हारा व्यवहार अजीब है आगे बोलता है आगे बोलती है नताल अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर ए फ्रेंड लास्ट ईयर कह रहा है कि अब तक हमने तुम्हें एक अच्छा नेबर समझा अच्छा दोस्त समझा पिछले साल वी लेंट यू और थ्रेसिंग मशीन ये थ्रेसिंग करने वाली जो मशीन होती है बेटा खेत में जो दाने निकालने वाली क्रॉप्स को कल्टीवे हार्वेस्टिंग करने वाली जो मशीन होती है उसे थ्रेसिंग मशीन बोलते हैं ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ और ओवन थ्रेसिंग टिल नवम्बर बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज जिप्सीज होते हैं बेटा नो जो खाना बदोश टाइप के बंजारे टाइप के लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है अब ये बोलता है कि कह रहा है कि पिछले वर्ष हमने तुम लोगों को अपनी जो भूषा निकालने वाली थ्रेसिंग मशीन है वो उधार दी थी इसकी वजह से हमें अपनी जो थ्रेसिंग का काम था हार्वेस्टिंग का काम था वो नवंबर तक स्थगित करना पड़ा था किंतु तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे हम कोई जिप्सी लोग हैं खाना बदोस लोग हैं गिविंग मी माई ओवन लैंड इन डीड्स और सच में तुम बिल्कुल सच में तुम तो मुझे मेरी जमीन दे रहे हो नो दैट्स इज नॉट ऑल नेबरली कह रहा है कि नहीं वास्तव में ये बिल्कुल पड़ोसियों वाली बात नहीं है इन माई ओपिनियन मेरे विचार में इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो कह रहा है कि मेरे विचार में तो अगर तुम सच सुनना चाहो तो ये एक प्रकार से गुस्ताखी है तुम्हारी गुस्ताखी वाली बात है यानी कि तुम्हारी एक बदमीजी है लोमो बोलता है देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैपर तब तुम मुझे मुझे एक लैंड ग्रैपर ग्रैपर मतलब होता है छीनने वाला यानी कि तुम मुझे जमीन छीनने वाला सिद्ध कर रही हो मैडम नेवर इन माई लाइफ आई हैव हैव आई क्रैप्ड एनीथिंग एल्स लैंड एंड आई सेल नॉट अलाउ एनी टू एक मी ऑफ हैविंग डन सो कह रहा है कि मैडम मैंने अपने जीवन में कभी किसी दूसरे की ज़मीन ना तो हथियाई है ना तो जमीन दूसरे की हड़पी है और मैं किसी को मुझ पर ऐसा दोष लगाने का की इजाज़त नहीं दूँगा क्विकली स्टेप्स टू द कैराफ कैर मतलब होती है पानी का जो घड़ा है मटका या सुराई जो होती है उसे बोलते हैं ड्रिंक्स मोर वाटर और वो जल्दी से पानी की सुराई के पास जाता है और वहाँ से कुछ पानी पीता है ऑक्जन मिडोज और माइन और क्या बोलता है ऑक्जन मिडोज मेरे हैं नाता बोलते हैं इट इज़ नॉट टू ये सच नहीं दे आर अवर्स वो हमारे हैं लोमो बोलता बोलते हैं इस प्रकार से वो जगड़ते रहते हैं ठीक है अब कम टू द नेक्स्ट पेज एंड सी वॉट हैपन्स अ ना लेट इज़ नॉट ट्रू ये सच नहीं आई विल प्रूव इट मैं इसे साबित कर दूंगी आई विल सेंड माई मोवर्स मोवर्स होते हैं घास काटने वाले वर्कर्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे कह रहा है कि मैं आज ही अपने घास काटने वाले मजदूरों को वहाँ पर इसी दिन भेजूंगी लमो बोलता है वट क्या नताले ना लोलते माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे कह रहा है कि मेरे घास काटने वाले मज़दूर आज इसी दिन वहाँ पर होंगे लमो बोलता है आई विल गिव ए टू दैम इन द नेक करेक्ट मैं उनके गर्दन में गुस्सा मारूंगा नाल बोलती हैं यू डेयर तुम्हारी हिम्मत है लोमो क्लच इज एट हिज हार्ट वो अपने हार्ट को संभालते हुए पकड़ते हुए बोलता है क्योंकि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है ना वहाँ पे पाल यानी कि हार्ट बीट्स उसकी बढ़ने लगती हैं ऑक्जन मिडोज आर माइंड और चिल्लाता है ऑक्जन मिडोज हमारे हैं यू अंडरस्टैंड तुम समझी गया माइंड मेरे हैं नाल बोलते हैं प्लीज़ डोंट साउट कृपया मत चिल्लाओ यू कैन साउट योर सेल्फ स इन योर ओवन हाउस बट देर आई मस्ट आस्क यू टू रिट रेस्ट्रेन योर सेल्फ कह रहा है कि तुम अपने घर में जा कर के कितनी भी जोर से मुँह फाड़ फाड़ के चिल्ला सकते हो मगर यहाँ पर तुम मेरे घर में मैं तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए कहूँगी जरूर कहूँगी यानी कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए लोमो बोलता है इफ़ इट इज़ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस आफुल एक्सक्रूसिएटिंग एक्सक्रूसिएटिंग मतलब होता है परेशानी देने वाला दर्द देने वाला पालपिटेशन इफ माई होल इन साइड वॉज नॉट अपसेट कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हो, होता मैडम फॉर दिस आफुल कह रहा यह है यह जो भयानक पीड़ादायक जो मुझे हार्ट बीट पालपिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है अगर ये नहीं हुआ होता और जो कुछ मेरे अंदर जो सब कुछ परेशानी करने वाला अपसेट करने वाले चीज जो चीज़ हो रही है मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं अंदर से बिल्कुल परेशान हूँ अगर ऐसा ना हुआ होता मेरे साथ तब आई वुड टॉक टू यू इन द डिफरेंट वे तो मैं कोई दूसरे तरीके से यानी कि आपके सामने दूसरे तरीके से पेश आया होता ये चिल्लाता है ऑगजन मेडोज आर माइन ऑक्जन मेडोज मेरे हैं नाल चिल्लाती है अवर्स फिर लोमो बोलता है माइन फिर न्याय बोलती है अवर्स एंड देन लोमो अगेन कहता है माइन इस प्रकार से मेरे हमारे मेरे हमारे बोलते रहते हैं अभी इसके बाद एंटर चुबूकोव यानि कि चुबूकोव की एंट्री होती है इस नाटक में और चुबूकोव बोलता है व्हाट इज़ द मैटर क्या बात है व्हाट आर यू साउटिंग फॉर किस बात पर तुम चिल्ला रहे हो नाले बोलते पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु वो ऑफ मीडोज वी और ही पापा प्लीज इस भद्र पुरुष को इस जेंटलमैन को बताओ कि ऑगजन मीडोज के मालिक कौन है हम या यह है चुबू को बोलता है चुनो मो लो से बोलता है चुबू को डार्लिंग प्रिय द मिडोज आर अवर्स करेक्ट मिडोज तो हमारे हैं लोमो बोलता है बट प्लीज बोलता है बट प्लीज, है, बट प्लीज। स्टेपन स्टेपनोबिस हाउ कैन दे बी योर्स परंतु कृपया स्टेपन विच no, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं डू बी ए रिजनेबल मैन कह रहा है कि तुम एक तर्क संगत व्यक्ति बनो सही व्यक्ति बनो माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव वही कहानी सुनाता है द मिडोज फॉर द टेम्प्ररी एंड फ्री यूज टू योर ग्रैंडफादर्स फादर्स पी जेंट्स कह रहा है कि मेरे मौसी की नानी ने तुम्हारे पिता के दादा के किसानों को वो जमीन मिडोज़ टेम्प्ररीली यानी कि नॉन दैट इज नॉट परमानेंट मतलब टेम्प्रेरीली रूप से और फ्री यूज करने के लिए दिए थे द पीजेंट्स जेंस यूज द लैंड फॉर फोर्टी ईयर्स एंड गोट अकस्टम्ड एक्स्टम्ड का मतलब होता है हैबिचुअल टू इट एज इफ वाज देर अ वन वैन इट हैपन दैट कि और उन किसानों ने लगभग चालीस साल तक लगातार उन खेतों का यूज़ किया और वो इस चीज़ के आदि हो गए कि जैसे वो ज़मीन उनकी हो इट हैपन दैट ये ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ है ये अब चुब को बोलता है एक्सक्यूज मी माय रहा है कि मेरे प्रिय मेरे कीमती मुझे माफ कीजिए यू फॉरगेट जस्ट जस्टिस तुम ये बात बोल गए हो दैट द पीजन डिंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मेडोज फॉर इन डिस्प्यूट कि उन मजदूरों ने उन किसान मजदूरों ने तुम्हारी मौसी की नानी को कुछ नहीं चुकाया था क्यों क्योंकि जमीन पर झगड़ा था एंड सो ऑन और वगैरह वगैरह एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अवर्स और ह, अब हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं इट मीन्स दैट यू हैवेंट सीन द प्लान प्लान का मतलब यहाँ पे नक्शा इसका मतलब ये हुआ कि शायद तुमने नक्शा नहीं देखा लमो आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइंड कह रहा है कि मैं ये तुमको सिद्ध कर दूंगा कि वो मेरे हैं चुभु को बोलता है यू विल नॉट प्रूव इट तुम नहीं प्रूव कर सकते माई डार्लिंग मेरे प्रिय लोमा वाई सेल मैं करूँगा चुभ को बोलता है डियर वन वाई ये लाइक दैट कह रहा है कि प्रिय तुम इस प्रकार से क्यों चिल्लाते हो यू विल नॉट प्रूव एनी थिंग जस्ट बाई ये लिंक कह रहा है कि तुम चिल्ला करके कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वाट आई हैव कह रहा है कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मेरी इच्छा इंटेंशन ये भी नहीं कि मेरी जो चीज़ है वो तुम्हें को दे दूँ उसको त्याग दूँ किसी और को दे दूँ वॉइस टू डाय और मैं ऐसा क्यों करूं एंड यू नो और जैसा कि तुम जानते हो माई बिलाउड मेरे पीए दैट इफ यू प्रपोज टू गो एंड टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मदसूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजें दैन टू यू कह रहा है कि अगर तुम्हारा यही उद्देश्य है आर्ग्यूमेंट करते रहने का जिद बहस करने का ही तो मैं जल्दी ही पहले ही ये मिडोज तुम्हारी बजाय पीजेंट्स को यानी कि उन किसानों को ही दे दूंगा लोमो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड मैं कुछ समझा नहीं हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे सम बडी एल्स प्रॉपर्टी कह रहा है तुम्हारे पास इस चीज दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी और को देने का अधिकार कहाँ से आया चुबू को बोलता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट तुम चाहे कुछ भी समझो ये मेरे पास अधिकार है या नहीं कुछ भी बिकॉज मैन आई एम नॉट यूज टू बी स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस क्योंकि जवान आदमी मैं इस मेरी आदत नहीं है कि मैं तुमसे इस तरह से तेज़ आवाज़ में बात करूं ना म, मुझे आदत नहीं है कि मेरे से कोई ऐसे तेज़ आवाज़ में बात करे एंड सो ऑन वगैरह वगैरह आई आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज कि जवान व्यक्ति मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूँ एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट और मैं ये तुमसे कहता हूँ कि मेरे से तुम बिना गुस्सा हुए बातें करो आराम से बातें करो लोमो बोलता है नो यू जस्ट थिंक आई एम फूल नहीं तुम ये सोचते हो कि मैं मोर रखूँ एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन और मैं जिसे दबाना चाहते हो यू कॉल माई लैंड योर्स तुम मेरी जमीन को अपना बुलाते हो एंड देन यू वॉन्ट मी ऑन टॉक टू यू कामनी कॉलमली एंड पोलाइटली और फिर तुम ऊपर से ये चाहते हो कि मैं तुमसे शांति से और विनम्रता से बात करूँ गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट कह रहा है कि अच्छे नेबर इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं स्टेपन स्टेपनोविच यू आर नॉट ए नेबर तुम एक पड़ोसी हो ही नहीं यू आर ग्रैबर तुम तो छीनने वाले हो हड़पने वाले हो चुबू को बोलता है वट इज दैट क्या बात है वट डिड यू से तुमने क्या कहा ना बोलते है, पापा सेंड मोवर्स आउट द मीडोज एट वंस कह रहा है कि तुम घास काटने वालों को तुरंत खेतों में मीडोज में भेज दो अभी चुभ को बोलता है वाट डिड यू से तुमने क्या कहा श्रीमान जी सर नताल्या बोलते हैं ऑक्जन मिडोज आर आवर्स बीच में नताल्या बोल पड़ती है ऑक्जन मिडोज हमारे एंड आई सेल नॉट गिव दैम अप मैं वो तुमको नहीं दूंगी सेल नॉट गिव दैम अप तुमको नहीं दूंगी सेल नॉट गिव दैम अप तुमको वो नहीं देंगी तो बेटा ये तीन बार बोलती है नताल्या ऐसे गुस्से में लोमो बोलता है वी विल सी हम देख लेंगे I will have the matter taken to court. कह रहा है कि मैं इस मामले को कोर्ट तक कचहरी तक ले जाऊंगा एंड देन आई विल सो यू और मैं फिर तुम्हें दिखा दूंगा चुबू को बोलता है टू कोर्ट कचहरी में यू कैन टेक इट टू कोर्ट तुम इसे कोर्ट में ले जा सकते हो एंड ऑल दैट और जो चाहो वो कर सकते हो यू कैन तुम कर सकते हो आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूँ यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर चांस टू गो टू द कोर्ट कह रहा है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कोर्ट जाने के मौके की तलाश में हो मतलब तुम्हें बहाना चाहिए कोर्ट जाने का अब यहाँ पर एंड ऑल दैट और वगैरह वगैरह यूर यू पैटी फोगर यानी कि तुम चालबाज़ हो पेटीफोग होता है shrewd, बहुत चालबाज़। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट और तुम्हारे परिवार के सभी लोग ऐसे ही थे ऑल ऑफ दैम सब सम बडे ही चालबाज थे लोमो बोलता है नेवर माइंड अबाउट माई पीपल मेरे लोगों के बारे में प्रभा मत करो उनके बारे में मत बोलो द लोमोज ऑल पीन ऑनरेबल पीपल कह रहा है कि लोमोज हमेशा से सम्मान्य लोग रहे हैं एंड नोट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट एम्बेजलमेंट होता है एक प्रकार से करप्शन या बोल सकते हैं गबन कह रहा है कि और किसी पर भी कोई गबन का मुकदमा कभी नहीं चला लाइक योर ग्रैंड जैसे कि तुम्हारे दादा पे चला था चुबू को बोलता है योर लोमोज यू लोमोज हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली कह रहा है कि तुम तुम लोमोज तुम्हारे परिवार में ही पागलपन रख है तुम मतलब तुम लोमोज लोग तुम्हारी पूरे परिवार में ही पागलपन है ऑल ऑफ यू तुम सारे के सारे पागल हो ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन ल्यूनेटिक पागल को बोलते हैं नल ऑल ऑल हाँ सभी के सभी सभी के सभी पागल हो चुबुको योर ग्रैंड फादर वाज ड्रंकर्ड अब चुबू को भी उनको उल्टा सुल्टा बोलता है कि तुम्हारा जो दादा था वो शराब भी था एंड योर यंगर आंट और जो तुम्हारी छोटी वाली मौसी थी नस्तस्या नस्तस्या उसका नाम है नस्तस्या मिहेल लोमना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सोन करेगी और तुम्हारी जो छोटी मौसी थी वो एक भवन निर्माता जो होता है आर्किटेक्ट उसके साथ भाग गई थी ये सब जानते हैं लोमो बोलता है अब लोमो बोलेगा चुबुको ने बोला था ये अब लोमो उल्टा बोलेगा इनको एंड योर मदर वॉज हम बैग्ड हम बैग मतलब कुबड़ी पीछे से मुड़ी हुई कमर जिसकी मुड़ी हुई हो हु, बंक हो जिसकी कमर है, और कह रहा है कि तुम्हारी जो दादी माँ थी वो कुबड़ी थी उसकी बैक मुड़ी हुई थी क्लच इज एट हिज हार्ट और वो अपने हार्ट को पकड़ता हुआ बोलता है समथिंग पुलिंग इन माई साइड मुझे बगल से कुछ खींच रहा है माई हेड मेरा सर हेल्प मदद करो वाटर पानी दो शुभ को बोलता है योर फादर वाज ए गजलिंग गैम्बलर गैम्बलर मतलब जुआरी गजलिंग मतलब एक प्रकार का ग्रीडी कह रहा है कि तुम्हारे पे फादर थे वो एक लालची जुआरी थे नताले बोलती एंड देर हैव नॉट बीन मैनी बैक बाइटर्स बैक बाइटर होते पीछे से चुगली करने वाले टू इक्वल योर आंट कह रहा है कि बहुत सारी चुगलखोर लोगों के बराबर तुम्हारी एक आंटी अकेली आंटी है यानी कि तुम्हारी आंटी बहुत बड़ी चुगलखोर है चुबुको माय लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लिप कह रहा है कि मेरा दाया सॉरी बाया बाया पैर सो गया है यू आर एन इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर होता है बेटा प्लॉट करने वाला षड्यंत्र रचने वाला कह रहा है कि तुम एक षड्यंत्रकारी हो ओ माई हार्ट अरे मेरा दिल एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट और ये खुला रहस्य है एक इसे सब जानते हैं कि दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राइब आगे बोलता नहीं कह रहा है पिछले इलेक्शन से पहले तुमने ब्राइब ली थी एक प्रकार से रिश्वत ली थी आई कैन सी स्टार अरे मुझे तारे नजर आ रहे हैं, where my, where is my hat मेरा हेट कहाँ पर है नताले बोलते इट्स लो ये तो गलत बात है यानी कि ये तो लो मतलब होता है घटिया ये तो घटिया है इट इज डिसनेस्टी बेईमान है इट इज मीन मीन का मतलब भी घटिया होता है ये तो बेकार और घटिया है चुबू को बोलता है एंड यू आर जस्ट मेलिशियस डबल फेसिड इंट्रोगर मेलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण डबल फेसड मतलब दोगला दोहरे फेस वाला इंटरव्यू मतलब षड्यंत्रकारी तुम तुम दुर्भावनापूर्ण हो तुम दोगले हो तुम षड्यंत्रकारी हो यस yes, हाँ लोमा बोलता है हेयर इज़ माय हेट ये मेरा हेट है माय हार्ट मेरा दिल विश किस रास्ते से जाऊँ वेयर इज द डोर रास्ता किधर है दरवाज़ा किधर है ओ आई थिंक आई एम डाइंग अरे मुझे लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ माई फूट मतलब होता है है होना मेरा पैर काफी सुन हो गया है. Goes to the door और दरवाजे पर चला जाता है अब बेटा क्या होता है कि कि को following him, उसका पीछा करता है 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 और क्या बोलता है? And don't foot in my house again. कह रहा है कि फिर से कभी मेरे घर में कदम मत रखना सेट फुट होता है कदम रखना टेक इट टू कॉर्ट तुम इस मामले बोलती है पीछे से टेक इट टू कोर्ट वी विल सी कह रहा है तुम इस मामले कोर्ट ले जाओ और हम देख लेंगे लोमो स्टैगर्स औ स्टैगर्स मतलब होता है लड़खड़ाना लोमो लोमाऊ, लड़खड़ाता तो हुआ बाहर जाता है चुबुक टेवेल टेक हिम उसे शैतान ले जाए वॉक अबाउट इन एक्साइटमेंट और उत्तेजित होकर उत्तेजना में इधर-उधर चक्कर काटने लगता है नताल्या व्हाट ए रास्कल कितना बड़ा राक्षस कैसा राक्षस है ये वट ट्रस्ट कैन वन हैव इन one's नेबर्स आफ्टर दैट कह रहा है कि इतना सब होने के बाद कोई व्यक्ति किसी अपने नेबर में पड़ोसी में विश्वास कैसे रख सकता है The ऑफ द विलेन द स्केयर क्रो कह रहा है कि ये एक विलेन है स्केयर क्रो क्या होता है बेटा जो एक खेत में चिड़िया वगैरह जो होती है उनको उड़ाने के लिए जानवरों को उड़ाने के लिए एक पुतला बनाया जाता है उसे बोला जाता है स्केयर क्रो तो ये इसको स्केयर क्रो बोल रहा है कभी इसको विलेन बोल रहा है द मतलब एक प्रकार से राक्षस राक्षस फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड पहले हमारी जमा जमीन लेता है एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज और फिर ये हमें गालियाँ देने की गुस्ताखी करता है चुबकोव एंड दैट ब्लाइंड हैन और यह है, और वह है, आंधी मुर्गी यस हाँ दैट टर्निप कोस टर्निप होते सलगम कह रहे सलगम जैसा भूत हैज़ चीक टू मेक ए प्राटो वाला वाला क्या करता है प्रपोजल रखता है यानी कि शादी का प्रस्ताव रखता है एंड ऑन so और वगैरह वगैरह व्हाट क्या प्रपोजल प्रपोजल मतलब सरप्राइजिंगली कह रहा है कि प्रपोजल अब नताल्या बोलती प्रपोजल कैसा प्रस्ताव क्योंकि अब तक ना को ये पता नहीं था कि चुबूको हैज कम टू सॉरी लोमो हैज कम टू देर होम टू प्रपोज हर उसको अभी तक पता ही नहीं ये बात तो अब वो पहली बार सुन रही है कि वाट प्रपोजल कैसा प्रपोजल चुबको बोलता है वाई ही केम हेयर टू प्रपोजल टू यू वो यहां पर क्यों आया वो यहाँ पे तुमको प्रपोज करने आया था ना बोलते टू प्रपोज प्रस्ताव लेकर टू मी मेरे से शादी का डेंट यू टेल मी शो बिफोर तुमने ऐसा मुझे पहले क्यों नहीं बताया चुब कॉ सो ही ड्रेस अप इन इवनिंग क्लॉथ इसी वजह से तो कह रहा है कि उसने काल की इवनिंग ड्रेस पहनी थी द सब स्टफ्ड सोसेज सोसेज मतलब समोसा कह रहा है कि जैसे आलू भरा हुआ भरा हुआ समोसा हुआ ऐसा लग रहा था विजन फेस्ड फ्रम्प कह रहा है कि विजन मतलब झुरियोंदार फ्र आ, फ्रम मतलब फूअर्ड व्यक्ति कह रहा है कि चूरियों दार फेस वाला फूअर्ड कहीं का इसको ऐसा कह करके पुकार रहा है चुभ को मगर अब देखिए आप जैसे ही इन्ता को पता चला टू प्रपोज टू मी मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था आ, अरे फॉल्स इन टू एन ईजी चेयर एंड वेल्स वो गिर जाती है एक आराम वाली चेयर में आरामदायक जो चेयर होती है उसमें गिर जाती है और वेल्स का मतलब होता है बेटा विलाप करना और विलाप करती है ब्रिंग हिम बैक उसे वापस लाओ बैक आ ब्रिंग हिम बैक उसे वापस लाओ अरे उसको वापस लाओ चुब को ब्रिंग home हेयर किस को यहाँ लाओ न्या बोलते क्विक क्विक जल्दी करो जल्दी करो आई एम इल मैं बीमार हो रही हूँ फैच्स हेम उसको जल्दी लाओ हिस्टेरिक्स हिस्टेरिक्स मतलब होता है फिट्स ऑफ एंगर और फिट्स ऑफ फेंट यानी कि बेहोशी के दौरे पड़ जाना या सुन हो जाना तो वो सुन हो जाती है बेहोश हो जाती है एक प्रकार से चुबू को कहता है वट्स दैट क्या बात है व्हाट्स द मैटर विद यू तुम्हारे साथ क्या बात है क्लच इज एट हिज हेड और अपने सर को पकड़ लेता है ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम अरे मैं कितना दुखी आदमी हूं आई विल सोट माई सेल्फ आई विल हैंग माई सेल्फ मैं अपने आप को गोली मार लूंगा मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा वी हैव डन फॉर हर वी हैव डन फॉर हर हम इसकी वजह से बर्बाद हो गई क्योंकि वो अब उस लड़की को ही बोल रहा है बकरा है कि उसने ये सब कुछ किया आई एम डाइंग फैच हिम लड़की बोल रही है कि मैं मर रही हूँ मतलब किसी को लाना चुबू को बोलता है टूफो भगवान कसम, tifo, मतलब ये एक वर्ड है मीन्स uh, इसका मतलब होता है टिफू का आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं वंस तुरंत जाता हूं मैं डोंट येल चिल्लाओ मत रन्स आउट और दौड़ करके जाता है बाहर ए पॉज थोड़ा सा पोज हो जाता है मतलब रुकते हैं कुछ देर के लिए फिर नतालिया बोलती है स्टेप ना दे डन टू उन्होंने मेरे ऊपर क्या कर दिया है उसे, उसे वापस लाओ ए पोज तो कुछ देर रुक करके चुबू को रन इन चुबू को अंदर दौड़ता हुआ आता है अब क्या होता है चुबू को है, so on, बगरा, बगरा, टेक ही उसे सैतान ले जाए ऑफ ऑफ बोलता है टाक टू हिम योर सेल्फ उससे तुम ही बात करना आई डोंट वॉन्ट टू मैं नहीं करना चाहता नतालिया वेल्स विलाप करती हुई फैच में उसे लेकर के आओ चुबु को येल्स चिल्लाते हुए ही इज कमिंग वे आर है आई टेल यू मैंने तुम्हें कहा ओ व्हाट ए बर्डन लॉर्ड भगवान क्या मुसीबत होता है टू बी द फादर ऑफ ए ग्राउन अप डॉटर एक जवान बेटी का बाप होना कितनी बड़ी मुसीबत होती है आई विल कट माई थ्रोट मैं अपने गले को काट लूंगा आई विल इन डीड मैं सच मुच मेंस्ट हिम मैं उसे वी हिम हमने उसे भला बुरा कहा अब्यूज हिम गालियां दी ट्रो हिम आउट उसको बाहर निकाला एंड इट्स ऑल यू यू कह रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ तुम्हारी वजह से उस अपनी बेटे को बोल रहा है नाता कहते हैं नो इट यू कह रहा है नहीं ये सब तुम्हारी वजह से नया उसको दोस्त दे रही है और बाप बेटी को दोस्त दे रहा है चुबू को आई टेल यू इट इज नॉट माई फॉल्ट मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरा मेरी गलती नहीं है लोमो अपीयर सेट द डोर और लोमो डोर पर आ जाता है नव यू टॉक टू हिम योर सेल्फ अब तुम ही उससे बात करना है एग्जेक्ट और यहाँ से चुबो को बाहर चला जाता है अब लोमो और न्याया बात करेंगे लोमो एंटर्स एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड लोमो अब थका हुआ सा अंदर प्रवेश करता है माई हर्ट्स पालपिटेटिंग ऑफुली कह रहा है कि मेरा हार्ट भयंकर रूप से धड़क रहा है माई फूड्स टू स्लिप मेरे पास हो गए हैं देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड और कुछ चीज ऐसी मुझे जो साइड से खींच रही है नव फॉर ग्यूवर्स हमें माफ़ कर दो ईवान वेसलविच हमें माफ कर दो वी वीबर ऑल ए लिटिल हम कुछ गर्म हो गए थे गुस्सा हो गए थे आई रिमेंबर नो अब मुझे याद आया है ऑक्सन मिडोज 'Really आर योर्स कह रहा है कि ऑक्सीजन मिडोज वास्तव में तुम्हारे ही हैं देखो ये कितनी चालाक सृढ़ लड़की है यहाँ पे पलट गई है क्योंकि इसको शादी करनी है उसको पता है कि तू गुड लुकिंग नहीं है ज़्यादा मतलब अच्छी वेल बिहेव्ड भी नहीं है और इस वजह से इसको लगता है कि तेरी शादी नहीं हो पाएगी तो ये शादी करना चाहती है किसी तरह भी तो ये इस वजह से अपना रूप बदल रही है बातें बदल रही हैं लमो माई हार्ट्स बीटिंग ऑफली ये बात हो चुकी है नाल बोलती है सॉरी hey, लोमो बोलता है माई हार्ट बीटिंग ऑफुली कैरेक मेरा हार्ट बुरी तरह से धड़क रहा है माई मीडोज मेरे खेत माई आईब्रोज आर बोथ ट्वीचिंग मेरे दोनों आईब्रोज फड़क रहे हैं न्याया द मिडोज आर योर्स यस योर्स कैरेक मिडोज तुम्हारे ही हैं हाँ तुम्हारे ही हैं डू सिट डाउन बैठ जाओ आप तेईस सिट वो बैठते हैं दोनों वी वर रॉन्ग हम गलत थे यार न्याया बोलते हैं उनको लोमो आई डिड इट टू प्रिंसिपल अरे मैंने तो सिद्धांतों की बात की थी माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी मेरे लिए जमीन की इतनी कीमत नहीं है बट द प्रिंसिपल मगर सिद्धांतों की मेरे लिए विशेष कीमत है यानी की कि मेरे लिए ज़्यादा विशेष क्या है सिद्धांत बोलती है यस द प्रिंसिपल हाँ किस जस्ट सो हाँ ऐसा ही है प्रिंसिपल सिद्धांत होता है ऐसा नाउट लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स चलो आप कुछ और बातें करते हैं लोमो बोलता है द मोर सो एज आई हैव एविडेंस और इससे फिर ज़्यादा बात ये है कि मेरे पास इसके प्रमाण भी तो हैं माई आंट्स ग्रैंड फादर वही बात बोलने लगता है माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द लैंड टू योर फादर ब्ला 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 कह रहा है कि तुम्हारे फादर के दादा को मेरी मौसी की नानी ने वो ज़मीन दी थी अब न कहती है यस यस ठीक है ठीक है लेट दैट पास उसको जाने दो यार साइड एक तरफ होकर के अपने से बात करती है आई विस आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड कह रहा है कास मुझे पता होता मैं जानती इसको अब बात कैसे शुरू करूं अलाउड ऑफ जोर से क्या बोलती है आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून क्या तुम शिकार पे जल्दी ही जाने वाले हो तुम शिकार जल्दी शुरू करने वाले हो अब देखो बेटा यहाँ पे लोमा बोलता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग एट द ब्लैक ऑनर्ड ना स्टेपन आफ्टर द हार्वेस्ट मैं सोच रहा हूं कि इस बार हार्वेस्टिंग करने के बाद यानी फसल निकालने के बाद फसल काटने के बाद सब मैं मैंर के शिकार पे जाऊंगा ये मैंने ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ ऐसी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ओ हैव यू हार्ड क्या तुमने सोचा है जस्ट सुना है जस्ट थिंक जरा सोचो व्हाट ए मिस फॉर्चून आई हैव हैड कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि माय डॉग गैस जो मेरा कुत्ता है ना गैस हु यू नो जिसे तुम जानती लेम वो लंगड़ा हो गया है बेचारा ना बोलते हैं वट ए पी अरे कितनी बुरी बात है वाई क्यों लोमो बोलता आई डोंट नो मुझे नहीं पता यार मस्ट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग या तो या तो उसकी जो लेग है वो ट्विस्ट यानी मुड़ गई होगी या फिर किसी दूसरे कुत्ते ने उसको काट लिया होगा साय में तो मतलब एक लॉन्ग ब्रीदिंग को बोलते हैं साय एक कैरी सांस लेना आहा भरना लंबी सांस लेते हुए बोलता है माई वेरी बेस्ट डॉग मेरा सबसे अच्छा कुत्ता टू सी नथिंग ऑफ द एक्सपेंस उस पर जो खर्चा है उसका तो कहना ही क्या कुछ नहीं कहा जा सकता जितना मैंने उस पर खर्चा किया आई गिव मेरो नोव वन ट्वेंटी फाइव रूबल्स फॉर हिम कह रहा है कि मैंने उसके लिए मेरे नोव को एक सौ पच्चीस रूबल्स चुकाए थे नोल इट विल टू मच इवान वेसिलविच एक तो कुछ ज्यादा ही दे दिया तुमने इवान नो आई थिंक इट वॉज वेरी चीप मुझे लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं कह रहा है कि मैंने तो उसको बहुत सस्ते में ले लिया हिज फर्स्ट एड वो तो उत्तम किस्म का कुत्ता है नाले बोलते है, पापा गिव फाइव रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर कह रहा है कि पापा ने उसके स्क्वीजर कुत्ते को खरीदने के लिए पचासी रूबल चुकाए थे केवल एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गैस हीप्स मतलब ढेर सारा और स्क्वीजर तुम्हारे गैस से तो ढेर सारे गुना ढेर सारा गुना अच्छा है नाला कहते हैं बिल्कुल वो अच्छा है अच्छा सॉरी एक लाइन छोड़ गए लोमो बोलता है स्क्वीजर बेटर देन गैस स्क्वीजर गैस अच्छा है वाट एन आइडिया क्या सोच है तुम्हारी लाभ और हंसता है और फिर दोबारा बोलता है स्क्वीजर बेटर देन गैस स्क्वीजर गैस से अच्छा है नाले बोलते हैं कोर्स निशन्देह ही इज बेटर हाँ वो अच्छा है ऑफ कोर्स निशन्देह स्क्वीजर इज यंग स्कूज स्कीजर जवान है ही मीट डेवलप ए इबिट और कुछ और भी बढ़ जाएगा अभी और भी डेवलप हो जाएगा और भी जवान हो जाएगा बड़ा हो जाएगा बट ऑन पॉइंट्स मगर मैं गुणों की बात करूँ तो एंड पेडिग्री और नस्ल की बात करूँ ही इज़ बेटर तो वो अच्छा है दैट इवन हैज़ गॉट कह रहा है कि वो गुणों में और नस्ल में सबसे अच्छा है दूसरे किसी भी कुत्ते से इवन यहाँ तक कि जो वो चेनेसकी का कुत्ता है उससे भी अच्छा है लोमो बोलता है एक्सक्यूज में मुझे क्षमा कीजिए बट यू फॉरवर्ड पर तो तुम भूल गई हो दैट इज़ ओवर शोर्ट वो ओवर शोर्ट है ओवर शॉर्ट का मतलब होता है छोटे जबड़े का जिसका नीचे का जबड़ा छोटा हो अपर जा बिगर हो और लोअर जा स्मॉलर हो उसे बोलते हैं ओवर कह रहा है कि तुम्हें तुम ये भूल गई हो शायद कि वो ओवर है एंड ओवर शोट ऑलवेज मीन्स द डोग इज ए बैड हंटर और ओवर होने का मतलब ये है कि कुत्ता शिकार करने में बुरा यानी कि अच्छा शिकारी नहीं हो सकता वो नाता बोलती है ओवर इज ही कह रही है कि वह ओवर शोर्ट है द फर्स्ट टाइम आई हियर इट कह रही है, है कि मैं तो ये पहली बार सुन रही हूं ये बात ओवर शोर्ट है लमो आई अशोर यू दैट हिज लोअर इज लोवर देन द अपर कह रहे है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसका ऊपर का जबड़ा है वो छोट, उसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो ऊपर वाले जबड़े की बजाय छोटा है शोल्टर है हैव यू मेजर क्या तुमने मापा है भाई लोमो बोलता है यस हाँ ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग हाँ बिल्कुल वो पीछा करने में तो वो बिल्कुल सही है ठीक है ऑफ कोर्स निसंदेह सचमुच में बट परंतु इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग मगर तुम उससे किसी चीज़ का शिकार करना चाहती हो उससे कुछ पकड़वाना चाहती हो तो फिर वो कामयाब नहीं है यानी कि ये यह यहाँ तक ही कह करके रुक जाता है क्योंकि नताले बीच में ही बोल पड़ती है आगे इन द फर्स्ट प्लेस पहली बात तो ये है अवर स्क्वीजर इज ए थोरोड यानी कि अच्छी नस्ल का कह रहा है पहली बात एनिमल कह रहा है पहली बात तो ये कि हमारा जो स्क्वीजर एक अच्छी नस्ल का जानवर है द सन ऑफ हार्नेस एंड चीज सेल्स कह रहा है कि हार्नेस और चीज सेल्स का बेटा है वो वाइल देर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल कह रहा है कि मगर तुम्हारे डॉग का तो कोई नस्ल ही नहीं है इज ओल्ड एंड एज अगली एज ए वोन आउट वोन आउट मतलब थका हुआ यूज किया हुआ कैब होर्स मतलब आ, एक प्रकार से तांगे में चलने वाला घोड़ा कह रहा है कि तुम्हारा कुत्ता तो बूढ़ा है और बद्दा है ताकि वे तांगे के घोड़े के समान लोमो बोलता है बूढ़ा है मानता हूं बट आई विल वुड नॉट टेक फाइव स्क्रीजर्स फॉर हिम कह रहा है कि उसके बदले में मैं पांच स्कीजर भी नहीं लेऊंगा पांच स्कीजर भी अगर मुझे कोई दे उसके बदले में तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा वाई क्यों हाउ कैन यू गैस इज ए डॉग एज़ फॉर स्क्वीजर वेल इट इज़ टू फनी टू आर्ग्यू कह रहा है कि कैस एक अच्छा कुत्ता है और जहाँ तक स्क्वीज़र की बात है तो सुनो कि उसकी बारे में तो बहस करना ही मजाक मजाक की बात है एनी बडी यू लाइक हैज़ ए डॉग एज ए गुड एज स्क्वीजर यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बस ऑलमोस्ट बस मतलब झाड़ी कह रहा है कि एनी बडी कोई भी जो इस कुत्ते को पसंद करे कह रहा है कि इस कुत्ते से बढ़िया तो कोई भी हो सकता है और ऐसे कुत्ते किसी भी झाड़ी के नीचे मिल जाते हैं ऐसे कुत्ते किसी भी झाड़ी के यहाँ पर मतलब कॉमन प्लेस में गलियों में कहीं पे भी मिल जाएगा झाड़ियों में ट्वेंटी फाइव रूबल्स वुड बी ए हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम और इसके लिए पच्चीस रूबल काफ़ी अमाउंट होगा पे करने के लिए हैंडसम अमाउंट होगा यानी कि उसकी कीमत के उसने केवल पच्चीस रूबल बता दी है ट्वेंटी फाइव ऑनली न्याया बोलते देर इज सम मैन मतलब राक्षस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टूडे करैक्ट तुम्हारे अंदर कोई विरोध करने वाला राक्षस लग रहा है आजीवान फर्स्ट यू प्रेजेंटेड दैट द मिडोज आर योर पहली बार तो प्रीटेंड प्रीटेंड का मतलब होता है ढोंग करना पहले तो तुमने प्रीटेंड किया जिद किया कि मिडोज तुम्हारे हैं नाउ और अब दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर आप बोल रहे हो कि गैस स्क्वीजर से ज़्यादा बढ़िया है आई डोंट लाइक पीपल वू डोंट से वाट दे मीन कह रहा है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो वैसा नहीं कहते जैसा वो समझते हैं यानी कि जो चीज़ वो जानते हैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं कहते वैसे लोग मुझे पसंद नहीं है बिकॉज यू नो क्योंकि तुम जानते हो अच्छी तरह से परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज ए हंड्रेड टाइम्स बेटर देन योर सिली गैस वाई डू यू वॉन्ट टू सी ही इज नॉट कह रहा है कि क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि स्क्वीजर तुम्हारे वाले गैस से जो पागल सा मोरख सा जो गैस है उससे सैकड़ों गुना बेहतर है तो तब तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो अच्छा नहीं है आप देखिए यहां पर लोगों को बोलेगा आई सी ना दैट यू कंसिडर मी इधर ब्लाइंड और फूल नताल्या स्टेप ना मुझे लगता है कि तुम मुझे मोरख या मतलब अंधा या मोरख समझती हो कंसिडर कर रही हो यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीज़र इज ओवर शोट तुम्हें इस चीज़ का इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए तुम्हें इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि स्क्वीज़र ओवर शोट है इट इज नॉट ट्रू ना बोलती है कि ये सच नहीं है नामा बोलता है ही इज हाँ है वो ओवर शोट नाता फिर कहती है इट इज नॉट ट्रू ये सच नहीं है बोलता है, साउट मैडम क्यों चिल्लाती हो मैडम ना बोलते वाइट टॉक रोड क्यों गली सड़ी बातें बोलती हो बोल रहे हो तुम क्यों सड़ी हुई बातें कर रहे हो इट इज़ ये कह रहा है भयानक है इट इज़ टाइम योर गैस वॉस आउट कह रहा है कि समय तक तो तुम्हारे गैस को गोली मार देनी चाहिए थी एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर और तुम उसे स्क्वीजर से कंपेयर करते हो लो मो एक्सक्यूज मी मुझे माफ कीजिए आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन माय हर्ट इज पालपिटेटिंग कर मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू नहीं रख सकता क्योंकि मेरा हर्ट धड़क रहा है जोर जोर से नाला आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर यू मोस्ट हु नो लीस्ट कह रहा है कि नाला बोलती है कि मैंने अक्सर ऐसा देखा है नोटिस किया है ऑब्जर्व किया है कि जो शिकारी झगड़ते हैं वो कम जानते हैं शिकार के बारे में कम जानते हैं झगड़ते जाते हैं लमो मैडम प्लीज बी साइलेंट कृपया मैडम शांत रहो माई हार्ट इज गोइंग टू पीस इज मेरे हार्ट के टुकड़े होने वाले हैं शॉट्स चिल्लाता है सटअप चुप करो आई सेल नाउट सटअप अनटिल यू एक्नोलेज एक्नोलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट दैट स्क्रीजर इज ए हंड्रेड टाइम्स बेटर देन योर गैस कह रहा है कि मैं तब तक चुप नहीं रहने वाले हूं जब तक तुम ये स्वीकार नहीं कर लेते हो कि स्क्वीजर तुम्हारे गैस से सौ गुना बेहतर है लोमो बोलता है ए हंड्रेड टाइम्स वो उल्टा बोलता है कह रहा है कि एक सौ गुना बदतर बेकार बी हैंगड टू योर स्क्वीजर अब तुम्हारे कुत्ते को फांसी दे दो हिज हैड आइज शोल्डर उसके हाथ पाओ हाथ शोल्डर और आंखें सब के सबको ना तै बोलते देर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस और तुम्हारे वाले मोरक गैस को तो फांसी देने की जरूरत ही नहीं है ही इज हाफ डेड ऑलरेडी कह रहा है कि वो तो पहले से आधा मरा हुआ है लोमो बोलता है वीप्स रोते हुए सेटअप चुप करो माई हार्ट इज बर्स्टिंग मेरा दिल फट रहा है नाता बोलती है आई सेल नोट सेटअप मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ एंट्री चुबुको इसी के साथ चुबुको की एंट्री हो जाती है अब चुबुको फिर से देखेगा कि ये तो दोबारा से झगड़ पड़े हैं चुभ को बोलता है वाट द मैटर नो अब क्या बात है भाई नताले बोलती पापा टेलर टूली पापा इसे सच सच में बताओ विच इज द बेटर डॉग कौन सा अच्छा कुत्ता है और स्क्वीजर हमारा स्क्वीजर या इनका गैस लोमो बोलता है स्टेप स्टेप वन नो स्टेपनोविच आई एम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग कह रहा है कि स्टेप स्टेप वन नो स्टेपनोविच मैं तुमसे विनती करता हूँ सिर्फ एक बात कहने के लिए कि एक बात बताओ मुझे इज योर स्क्वीजर ओवर और नॉट यस yes no. तुम्हारा स्पीजर ओवर शोट है कि नहीं मतलब ओवर का मतलब होता है जिसका अपर जो बड़ा हो और नीचे वाला लोअर जा छोटा हो ठीक है ना कह रहा कि है कि ओवर है कि नहीं हाँ या ना में जवाब दो चुग को कहते हैं एंड सपोज ही इज ठीक अगर वो मान लिया वो है तो वट डज इट मी मैटर इसे क्या फर्क पड़ता है ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सोन कह रहा है कि यह कुत्ता डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा कुत्ता है और वगैरह वगैरह मतलब तो आगे बोलता रहता है लोमो कहता है बट इट इज़ नॉट माई गैस बेटर बट इज माई गैस बेटर क्या मेरा कुत्ता अच्छा नहीं है रियली really नो no? क्या अब ऐसा नहीं है शुभ को बोलता है डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई टी वन कह रहा है कि मेरे प्रिय साथी अपने आप को ज़्यादा उत्तेजित मत करो मी मुझे कहने दो योर गैस सर्टेनली हैज हिज गुड पॉइंट्स कह रहा है कि तुम्हारा कुत्ता वास्तव में कुछ अच्छे गुण है उसमें ही इज प्योर ब्लड वो एक प्योर अच्छी नस्ल का है फॉर्म ऑन हिज फीट उसके वो मजबूती से पाव रखता है मजबूती से चल सकता है हैज वेल स्प्रंग रिब्स उसकी जो रिब्स हैं जो पसलियाँ हैं वो अच्छे से फूली हुई हैं एक्सपेंडेड हैं एंड ऑल दैट और ये सब चीज़ें हैं बट परंतु माई डियर मैन मेरे प्रिय आदमी इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ अगर तुम सच जानना चाहते हो तो यह है कि दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स उस कुत्ते में दो कमियाँ हैं दो खामियाँ हैं ही इज़ ओल्ड पहला तो वो बूढ़ा है और दूसरा ही इज़ शॉर्ट इन द मजल मजल होता है जो नाक का अग्र भाग होता है उसे मजल कहा जाता है और उसका जो मजल है थूथन है वो भी छोटा है लोमो बोलता है एक्सक्यूज़ मी माई हार्ट मुझे क्षमा कीजिए मेरा दिल लेट्स टेक द फैक्ट्स तथ्यों की बात करते हैं यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मर्स की हंट माय गैस रन माय गैस रन नेक एंड ड्रंक विद द काउंट्स डॉग व्हाइल योर स्क्वीजर वाज लेफ्ट इन होल वर्स्ट बिहाइंड वर्स्ट एक डिस्टेंस को मापने की रस्सी यूनिट है दैट इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर ठीक है कह रहा है कि तुम्हें आ, मर्स आ, मरुसिंस्की शिकार तो याद होगा मरुसिंस्की में जो शिकार हंट हुआ था वो तो याद होगा कि जहां पर मेरा जो गैस है वो काउंट के कुत्ते से गर्दन से गर्दन मिलाकर उसकी बराबरी करते हुए दौड़ा था जबकि तुम्हारा स्क्वीजर तो डेढ़ दो किलोमीटर पीछे रह गया था चुबू को बोलता है ही गोट लेफ्टी हाइंड बिकॉज द काउंट वीपर वीपर होता है एक अधिकारी कोडे मारता है जो रेस के दौरान हंट के दौरान हिट हिम विद विप कह रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कुत्ता पीछे इसलिए छुटा क्योंकि काउंट का जो अधिकारी था कोड़े मारने वाला उसने हमारे कुत्ते को कोड़े मारे थे इस वजह से वो बेचारा पीछे रह गया था अब देखिए लोमो बोलता है एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स When, when Squeezer goes and starts वरिंग a sip, कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि एक अच्छे कारण की वजह से बाकी सारे कुत्ते तो फॉक्स का शिकार कर रहे थे उनके पीछे दौड़ रहे थे जबकि स्क्रीजर था है बेचारा तुम्हारा ये एक भेड़ के पीछे उसको परेशान कर रहा था उसको ही पीछे दौड़ रहा था मतलब सभी शिकारी कुत्ते तो फोक्स का को फॉलो कर रहे थे मगर तुम्हारा कुत्ता तो एक भेड़ को परेशान कर रहा था चुभ को बोलता इट इज़ नॉट रूसस नहीं है माई डियर फेलो मेरे प्रिय मित्र आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम मैं अपना गुस्सा खोने वाला हूँ एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इस चीज़ की वजह से लेट स्टॉप द आर्ग्यूइंगट स्टॉप आर्ग्यूइंग हम झगड़ा बंद करते हैं यू स्टार्ट बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स टॉक्स तुमने ये शुरू किया क्योंकि हर कोई व्यक्ति दूसरे के कुत्ते की वजह से जेलेसी फील करता है चलता है यस वी आर ऑल लाइक दैट हाँ हम सभी ऐसे होते हैं यू टू सर तुम भी श्रीमान जी आर नॉट ब्लेमलेस तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो श्रीमान जी यू नो सुनर बिगिन विद दिस दैट एंड द अदर तुम तुरंत ही एक बात के लिए फिर दूसरी बात के लिए शुरू हो जाते हो एंड ऑल दैट और वगैरह वगैरह आई रिमेंबर एवरीथिंग मुझे हर चीज़ याद है लमो कहता है आई रिमेंबर टू मुझे भी याद है को, teasing him, उसको छेड़ते हुए आई रिमेंबर टू मुझे भी याद है do you remember, क्या याद है तुम्हें लोमो कहता है कह रहा है कि मेरा दिल अपने दिल को संभालते हुए और कह रहा है कि मेरे पास हो गए आई कांट इतना ही बोल के रह जाता है बस टीजिंग उसको परेशान करते हुए बोलती है माई हार्ट वट सॉर्ट ऑफ एंटर आर यू मेरा दिल किस टाइप के हंटर हो तुम यार यू ऑट टू गो एंड lie ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स बीटल्स होते हैं छोटे इंसेक्ट्स कह रहा है कि तुम्हें अपने घर जो किचन है उसका जो उसकी जो ओवन है उस पर जाकर बैठ जाना चाहिए और छोटे छोटे भूड जो हैं छोटे छोटे जो बीटल्स हैं उनको उनका शिकार करना चाहिए नॉट गो आफ्टर पॉक्सेज तुम्हें लोमड़ियों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए उनके शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए माई हार्ट मेरा हृदय मतलब ये एक प्रकार से उसको खिजा रही है परेशान कर रही है चिब कॉवियस वैली हाँ वास्तव में वाट शॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू एनी वे किस तरीके के कि हंटर हो तुम यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पालपिटेशंस एंड नोट को ट्रैकिंग एनिमल्स कह रहे हैं कि तुम्हें तो अपने घर पर बैठना चाहिए अपनी बड़ी हुई धड़कनों के साथ और जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए यू कुड गो हंटिंग तुम शिकार पर जा तो सकते हो बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल मगर तुम केवल वहाँ पर किस लिए जाते हो लोगों से आर्गूमेंट करने के लिए जिद बहस करने के लिए एंड इंटरफेयर विद द डॉग्स एंड सो ऑन और तुम उनके कुत्तों के मामलों में उनके साथ हस्तक्षेप करते हो बीच में टांग खींचते हो लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर कैरा कि आओ अब इस टॉपिक को बदलते हैं अपने मैटर को मुद्दे को चेंज करते हैं वरना मैं, मैं, मैं अपना टेम्पर लूज कर दूंगा गुस्सा हो जाऊंगा यू आर नॉट ए एट ऑल एनी वे और तुम वास्तव में एक अच्छे हंटर नहीं हो किसी भी कीमत पे तुम हंटर नहीं हो लोमो बोलता है एंड आर यू हंटर और तुम हो हंटर यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रू कह रहा है कि तुम केवल हंटिंग पर काउंट से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए उससे बातें करने के लिए जाते हो और षडयंत्र रचने के लिए ओ माई हर्ट अरे मेरा दिल यू आर एन इंट्रव्यर और कहता है कि तुम एक षडयंत्रकारी हो चुभ को बोलता है यहाँ पर वाट क्या आई एम इंट्रोवर मैं एक इंट्रव्यूअर हूँ साउस चिल्लाता है सेटअप चुप करो अब लोमो बोलता है इंट्रूगर उसको चुटा करके कहता है इंट्रूगर चुबू को कहता है बॉय पप पिल्ला पप मतलब पिल्ला जो होता है ना अब यहां पर चुबू को बोलता है सेटअप और आई विल सूट यू लाइक सॉरी लोमो बोलता है ऑल रेट अरे बूढ़े चूहे चुबू को बोलता है मतलब एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं चुबू को बोलता है सेटअप चुप करो आई विल सूट यू लाइक ए पैट्रिज पैट्रिज तित्र कोई बोलते हैं एक वर्ड होता है कह रहा है कि पैट्रिज की तरह तितर की तरह मैं तुम्हें गोली मार दूंगा यू फूल तुम मोरक लमो बोलता है एवरीबडी नोज दैट ओ माई हार्ट कह रहा है कि हर कोई जानता है अरे मेरा दिल बीच में अचानक अचानको अपने दिल को भी संभालते हुए योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू कह रहा है तुम्हारी स्वर्गीय पत्नी तुमको मारा करती थी पीटा करती थी माई फीट अब वो अपने पावों के बारे में करता अरे मेरे पैर सो रहे हैं टेम्पल्स टेम्पल्स होते बेटा जो फोर राइट के साइड वाला पार्ट जो होता है इसे बोला जाता है टेम्पल्स कनपटियों को अरे मेरी कनपटियां स्पाक्स आईफोल आई गिरा मैं गिरा अब चुबू को बोलता है एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर कर तुम तो तुम्हारी जो हाउस कीपर है तुम्हारी जो मेड है उसकी जूतों उसकी चप्पलों के नीचे हो यानी कि उनकी चप्पलों की धूल हो लोमो बोलता है देर 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 यहाँ 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 माई हार्ट इज बर्स्ट स्ट अरे मेरा हार्ट फट चुका है माई शोल्डर्स कम ऑफ मेरे शोल्डर्स बाहर निकल गए हैं वेयर इज माई शोल्डर मेरे शोल्डर कहाँ है मेरा कंधा कहाँ है आई डी मैं मर रहा हूँ फॉल्स इन टू एन आर्म चेयर और इस प्रकार से एक आर्म चेयर पर गिर जाता है ए डॉक्टर एक डॉक्टर यानी कि ही गॉट फेंटेड वो बेहोश हो जाता है को बोलता है बॉय मिल्स सो फूल आई एम सिक अरे लड़के पागल मूरख आई एम सिक मैं बीमार हूँ मैं मेरी तबीयत बिगड़ती है बिगड़ रही है ड्रिंक्स वाटर और पानी पीता है सिक बीमार न वाट शॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू किस तरीके के तुम हंटर हो यू कॉन्ट इवन सिट ऑन ए हॉर्स तुम एक घोड़े पर तो नहीं बैठ सकते हो टू हर फादर अब वो अपने पापा से बोलते पापा वट्स द मैटर विद इसके साथ क्या बात है पापा लोक पापा देखो देखो स्क्रीम शोर्स चिल्लाती है इवान वेसल विच ही वे मर गया है चुब को आई एम सिख आई कॉन्ट ब्रीद एयर कर बीमार हूं मैं सांस नहीं ले सकता हवा चुभको भी बेचारा परेशान हो चुका है ना और बोलती ही हिज डैड ही मर गया पुल्स लॉम्स लोमाउस स्लीव्स और लोमाउस की जो स्लीव्स हैं बाजु उनको खींचती है पुल करती है इवान वेसलविच इवान वैसलविच आवाज लगाती है उसको व्हाट हैव यू टू मी तुमने मुझे क्या कर दिया हैज मर गया है फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर फॉल्स खुद भी किस में गिर जाती है आर्म चेयर में गिर जाती है ए डॉक्टर चिल्लाती है डॉक्टर लाओ डॉक्टर लाओ हिस्टेरिक्स यानी कि बेहोश हो जाती है चुब कहो ओ what is it? अरे क्या है व्हाट इज द मैटर क्या बात है नताले बोलते हैं वेल्स वालाप करती हुई बोलते ही इज डेड डेड मर गया है मर गया है चुब कहो वो इज डेड कौन मर गया लुक एट लोमोस लुक्स एट लोमोस लोमोस पर देखता है लोमोस की तरफ देखता है सो ही इज अच्छा तो यह मर गया माई वर्ल्ड वाटर मेरे सब अरे पानी ये डॉक्टर एक डॉक्टर लिफ्ट से टम्बलर टू लो लोमाउस माउथ टम्बलर ग्लास को बोलते हैं बेटा लोमाउस के मुंह तक पानी का ग्लास लेके जाता है और कहता है ड्रिंक्स दिस ड्रिंक दिस इसे पी लो नो ही डज नॉट ड्रिंक अरे ये तो नहीं पी रहा है इट मींस ही इज डेड इसका मतलब ये मर गया है एंड ऑल दैट और वगैरह वगैरह आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन अब देखो अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर शो करेगा कौन सी बुकों कह रहा है कि अरे मैं सबसे दुखी आदमी हूँ वाई डोंट आई पुट ए बुलेट ट्रिट टू माई ब्रेन अरे मैं क्यों अपने दिमाग में अपने सर में गोली अपने भेजे में गोली क्यों नहीं मार लेता हूँ वाई हैव नोट आई कट माई थ्रोट येट मैंने अपना गला क्यों नहीं काट लिया अब तक वाट आई एम वेटिंग फॉर मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ गिव मी ये नाइफ मुझे एक चाकू दो गिव मी ये पिस्टल मुझे एक बंदूक दो लोमो मूज और इसने में लोमो थोड़ा सा हिलता है ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड कमिंग राउंड मतलब होश में आना ऐसा लगता है कि वो होश में आ गया ड्रिंक सम वाटर और चबू को आगे कंटिन्यूअसली उसको बोलता है कि पानी पी लो कुछ पानी लो दैट्स राइट right. अब ठीक थी, ये ठीक है लोमो आई सी स्टार्स मुझे तारे दिखते हैं मिस्ट धुंध दिख रही है धुंधला दिख रहा है वेयर एम आई मैं कहाँ पर हूँ चुबू को बोलता है हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू कह रहा है कि जल्दी करो और जल्दी से शादी कर लो करो, करो। जल्दी से और टू द डेविल विद यू और तुम शैतान के साथ जाओ सी इज़ विलिंग अब वो इच्छुक है यानी कि उसकी इच्छा है शादी करने के लिए ही पुट्स लोमोज हैंड इन टू हिज डॉटर्स और ऐसा होने पर वो क्या कर देता है ऐसा कह करके वो लोमोज के हाथ के हाथों में उसकी बेटी नताला के हाथ पकड़ा देता है यानी कि उनकी शादी करवा देता है सी इज़ विलिंग एंड ऑल दैट कह रहा है कि उसकी इच्छा है अब और सब वगैरह वगैरह आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद देता हूँ और वगैरह वगैरह बोलता है आगे ओनली लीव मी इन पीस केवल मुझे अब शांति में छोड़ दो यार वो क्योंकि परेशान हो चुका है बेचारा लोमा बोलता है गेटिंग अप खड़े होते हुए अरे वाट क्या टू होम किससे शादी चुबू को बोलता है सी इज विलिंग वो तैयार है उसकी इच्छा वेल ठीक है किस एंड बी डैम टू यू कह रहा है कि किस करो और बी डैम्ड टू यू और कह रहा है कि मतलब एक प्रकार से इतना ही बोलता है ये वर्ड एक प्रकार से स्लैंग यूज़ किया है उसने यहाँ पर कि उसे वहाँ पर प्रचलन होता है ऐसा कि जब शादी होती है तो क्या किया जाता है किस किया जाता है तो ये भी लोमो को बोल रहा है कि बी किस सॉरी किस हर एंड इज विलिंग यहाँ पे बोल रहा है बेटा कहाँ था मैं थोड़ा सा किस था किस एंड बी डैम टू यू कह रहा है उसे चुम लो और फिर बी डैम्ड यानी कि डैम डैम वैसे बोलते हैं राक्षस को किस हिम एंड डैम टू यू यहां पे था मैं बी डैम टू यू और कह रहा है कि तुम नर्क में जाओ या तुम्हारा नर्क वास हो एक प्रकार से स्लैंग है ये गो टू द हेल उसे बोल सकते हो उसे चूम लो एक बार मतलब ये किसी भी कीमत पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहता है चुब चाहता है किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर चाहिए बाहर में जाएँ नब वेल्स विलाप करते हुए कहते ही इज अलाइव अरे जिंदा है यस यस हाँ आई एम विलिंग अरे मैं तैयार हूँ शादी के लिए बोलती है चुब किस ईच अदर चुब कह रहा है अभी भी कि एक दूसरे को चूम लो लोमो कहता है ऐ अरे किस किसे वे किस और वो किस करते हैं वेरी नाइस nice, बहुत अच्छा टू एक्सक्यूज मी मुझे माफ़ करना वाट इज़ इट ऑल अबाउट ये किसके लिए सब कुछ ओ नो आई अंडरस्टैंड अरे अच्छा अब मेरे समझ में आया माई हार्ट मेरा दिल स्टार्स तारे आई एम हैप्पी और मैं खुश हूँ यानी कि वो वही बीच बीच में बोल रहा है कि अरे मेरा दिल अरे मुझे तारे दिख रहे हैं और फिर कहता है कि मैं खुश भी हूँ आई एम हैप्पी स्टेप नोना किस इज़ हर हैंड नाता स्टेपनोना उसके हाथ को चूमते हुए चूम रही है माई फुट हैज़ टू स्लिप और वो क्या बोलता है किस इज हर हैंड मतलब ये है कि वो नताली स्टेपनोना के हाथों को चूमता है और क्या कह रहा है साथ में माई फुट हैज़ गॉन टू स्लिप मेरे पावस सो गए हैं नताला बोलती आई आई एम हैप्पी टू मैं भी खुश हूँ चुब को वाट्स ए वेट ऑफ वेट मतलब वजन ऑफ मतलब उतर जाना माई शोल्डर्स ऑफ उफ आराम की सांस लेते हुए अब चुबू को कह रहा है कि अरे मेरे कंधों का वजन उतर गया बोझ उतर गया आज क्योंकि उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली क्योंकि वो दोनों खुश हैं उनकी शादी हो गई नताल्या अभी भी आर्ग्यूमेंट शुरू करेगी बोलेगी परंतु स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज़ वोर्स देन स्क्वीजर तुम्हें अभी भी स्वीकारना हो पड़ेगा कि गैस हमारे स्क्वीजर से बेकार है बद्दा है बदतर है लमो उल्टा बोलेगा कि नहीं अच्छा है ना तो लगेगी वॉस नहीं बुरा है चुबू को कहेगा ठीक है वेल दैट्स वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस कह रहा है कि समथिंग some, कह रहा है कि चुबु को मतलब बोलता है कि चलो ठीक है ये भी एक तरीका तुम्हारे जीवन को आनंद से शुरू करने का मतलब तुम लड़ते झगड़ते ही शुरू करोगे अपनी लाइफ को ब्लिस मतलब होता है आनंद हैव सम समेन ऐसा करो थोड़ी सी वाइन वाइन होती है बेटा समफेन एक प्रकार की ड्रिंक होता है जो सेलिब्रेशन के दौरान पी भी जाती है और इसको हिला करके सेलिब्रेशन के लिए इसको छिड़का भी जाता है इसमें इस से झाग निकलते हैं तो कह रहा है कि थोड़ी सी समेन लो लेमो हिज बेटर कह रहा है कि वो अच्छा है वो कुत्ते के बारे में कह रहा है अभी भी हमारा जो गैस है वो अच्छा है तालिया कहती है वोर्स 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 नहीं बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है अब चुबो को ट्राइंग टू साउट हर डाउन करके उसे खामोश करने के लिए चल्ला तो ये बोलता है समफेन समफेन जोर से कि समफेन समफेन करटेन्स यानी कि पर्दा गिर जाता है और ये प्ले एंड हो जाता है बेटा इस प्ले ये काफ़ी लंबा प्ले है और ये एक फारसिकल प्ले है फारसिकल प्ले है मतलब तमाशे का जैसा ढा जिसे स्वांग बोलते हैं हिंदी में स्वांग के जैसा एक नाटक है इसको दो तीन बार आप देखिए तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा थैंक यू वेरी मच